नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा से आ रही खबर, जहां महादेव मेला प्रसिद्ध मेले में कोरोना को लेकर प्रतिबंध किया गया था, उसके बाद भी यात्रियों का आना है जारी। छिंदवाड़ा जिला होशंगाबाद जिले में पड़ने वाला महाशिवरात्रि का मेला स्थगित किया गया है। चौरागढ़ में भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दो चार की संख्या में पहुंच रहे हैं। बूढ़ा भगत से लेकर पंचमढ़ी तक एवं पंचमढ़ी मठ से लेकर चौरागढ़ तक एक भी दुकान नहीं लगी है और कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद भी यात्रियों का मेले में आने का सिलसिला जारी है, जिसे गंभीरता से प्रशासन को लेना होगा और कोरोना वायरस की गाइडलाइन को देखते हुए सख्त कार्रवाई एवं पालन करना होगा। चौरागढ़ मठाधीश गरीबदास बाबा जी ने महाकाल से भक्तों से अपील की है कि भोलेनाथ की पूजा घर या समीप के मंदिर पर ही जाकर करें और सरकार द्वारा दिए गए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। शुभम शाहरे, छिंदवाड़ा की रिपोर्ट। उधर तो खा है, थोड़ा काले आ रहे इधर साइड। एक मिनट और रुकना। नहीं, जहां आप लोग ये बेच रहे हैं, क्या स्थान है ये? और आप लोग कहां से आए? भूरा भगत से, नीचे से। इतने दूर से? 12 किलोमीटर दूर से। और कितने लोग हैं आप लोग साथ? बहुत लोग हैं। मेला तो स्थगित हो गया है। हाँ। कितना नुकसान हो रहा आप लोगों का? नहीं आए बोल रहे, अब बंद हो गया। कल से? हाँ। कल से नहीं आएंगे आप लोग? मेला नहीं चलेंगे, काहे के लिए आएंगे? अच्छा, आपकी रोजी रोटी और किस चीज से चलती है? यही है आपका साधन? क्या आने वाले महाशिवरात्रि मेले में सभी भक्तों से ये निवेदन है कि अपने अपने घर में पूजा करें और शासन की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के दायरे में रह के जो दर्शन मेला करें। कहीं भी मंदिर जाए तो शासन की जो गाइडलाइन है उसका ध्यान जरूर दें और अपने अपने घर में पूजा करें। भगवान जो कहीं नहीं जाते, हर जगह रहते हैं। बाकी अभी समय जो जटिल समय है, अच्छा समय नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा दूरी बना के रखना, जो भी शासन का गाइडलाइन है वो हमारे हित के लिए है, वो उसका ध्यान दें।